मैं अनिल कुमार फिर से अपने YouTube चैनल अनिल आर्ट्स क्लासेस सीतामढ़ी में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो मेरा टॉपिक है वो आपको न्यूज़पेपर एनालिसिस से जुड़ा हुआ है और इस टॉपिक में आज हम लोग 8 सितंबर से जुड़े हुए न्यूज़पेपर का एनालिसिस करेंगे। ये जो न्यूज़पेपर एनालिसिस है, इस श्रृंखला के अंतर्गत अगर आप रेगुलर वीडियो देखते हैं तो इससे आपको डबल फायदे होंगे। एक, सबसे पहला कि आपका जो करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न है वो नहीं छूटेंगे। दूसरी बात, जो इससे संबंधित कुछ परंपरागत प्रश्न होंगे वो भी नहीं छूटेंगे। तो आइए दोस्तों, आज के इस टॉपिक को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आज जान लीजिए कि 8 सितंबर है और 8 सितंबर को विश्वभर में आपको विश्व साक्षरता दिवस मनाया जाता है। यानी कि 8 सितंबर को प्रतिवर्ष क्या होता है कि पूरे वर्ल्ड में वर्ल्ड लिटरेसी डे जो होते हैं वह मनाए जाते हैं। तो ये जो वर्ल्ड लिटरेसी डे है, इसको मनाने का जो उद्देश्य होता है, यानी कि विश्व साक्षरता दिवस मनाने का उद्देश्य क्या होता है, तो लोगों को शिक्षा के प्रति सजग करना, शिक्षा के प्रति लोगों को जागरूक करना। तो प्रश्न आपसे किए जा सकते हैं कि ये जो विश्व साक्षरता दिवस है यह कब से मनाया जाता है। तो देखिए, विश्व साक्षरता दिवस जो है वो आपको 1966 से मनाया जाता है और इसे मनाने की जो शुरुआत किया था वो आपको यूनेस्को ने किया था। तो आइए थोड़ा सा यूनेस्को के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे कि यूनेस्को है आखिरकार क्या। तो देखिए, यूनेस्को जो है हमारे विश्व में जो भी धरोहर स्थल होते हैं उसको संरक्षित रखने वाली क्या है, एक संस्था है। तो ये जो यूनेस्को है, इसका जो गठन हुआ था वो आपको 4 नवंबर 1946 को हुआ था और इसका जो मुख्यालय है वो आपको पेरिस में है और इसमें अभी सदस्य देश की जो संख्या है वो आपको 194 है और इसके जो अभी अध्यक्ष है यानी प्रेसिडेंट है वो आपको ऑड्रे ओजोले है। देखते हैं भारत के डीआरडीओ के बारे में। तो सबसे पहले जान लीजिए कि डीआरडीओ आखिर है क्या। तो डीआरडीओ भारत में रक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए अनुसंधान कार्य करते हैं। तो डीआरडीओ का पूर्ण रूप पहले क्या होता है, तो डीआरडीओ का मतलब होता है आपको डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन। तो डीआरडीओ ने अभी क्या हुआ है कि आपको हाल में ही क्या किया है कि आपको दुनिया के सामने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। तो वह कीर्तिमान हमारा क्या है, इसके बारे में हम जानते हैं। तो भारत अभी हाल ही में क्या हुआ कि आपको हाइपरसोनिक जो क्रूज मिसाइल है विकसित करने की जो तकनीक है उसको क्या किया है कि आपको प्राप्त किया है और इसमें जो सहयोग किया है वो आपको डीआरडीओ किया है। तो आखिरकार डीआरडीओ ने ऐसा क्या विकसित किया है, तो डीआरडीओ ने आपको हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डिमोनस्ट्रेटर व्हीकल को क्या किया है, विकसित किया है और इसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं कि आपको हवा से भी 6 गुना तेज मिसाइल को हम बना सकते हैं। यानी कि हमारे जो हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल होंगे वह आपको क्या होगा कि दुश्मन देश के रडार से बाहर होंगे, क्योंकि आपको हवा से भी 6 गुना क्या होगी, तेज चलेगी। तो ये जो आपको हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डिमोनस्ट्रेटर व्हीकल है, इसको आपको कहां से प्रक्षेपित किया गया, तो इसको जो प्रक्षेपित किया गया है वह आपको ओडिशा स्थित जो बालासोर है, उस बालासोर में क्या है कि एक द्वीप है, उस द्वीप का नाम है आपको हुलर द्वीप, जिसका नाम बदलकर आपको अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया गया। वहीं से इसे क्या हुआ है कि आपको 7 सितंबर को प्रक्षेपित किया गया है 11:03 पर अग्नि मिसाइल के माध्यम से। तो हम अब दुनिया में क्या हो गया कि चौथे ऐसे देश बन गए जिसके पास क्या होगा कि अब आपको हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल विकसित करने की क्षमता होगी। इससे पहले क्या था कि आपको अमेरिका, रूस और चीन के पास ही यह क्षमता थी, लेकिन हमारे भारत ने क्या हुआ कि आपको हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डिमोनस्ट्रेटर व्हीकल को विकसित करके अपना नाम जो है दुनिया में स्थापित किया है और हम क्रूज मिसाइल विकसित करने वाले, जो हाइपरसोनिक श्रेणी के जो क्रूज मिसाइल होते हैं उसको विकसित करने वाले हम दुनिया के चौथे देश होंगे। तो इसे विकसित किया है डीआरडीओ ने। तो अब आइए डीआरडीओ के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, इससे जो कुछ परंपरागत प्रश्न पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले डीआरडीओ का पूर्ण रूप, तो आपको डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, मतलब रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, इसका जो गठन हुआ था वो आपको 1958 में हुआ था और इसका जो मुख्यालय है नई दिल्ली है और इसके जो अभी प्रेसिडेंट है वो आपको जी सतीश रेड्डी है। आपको इसी माह यानी कि 2 सितंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में एक केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई थी और इस बैठक में निर्णय लिया गया था कि जो लोक सेवा अधिकारी है उसके कार्यों में उसकी जो क्षमता है उसमें क्या किया जाए, वृद्धि किया जाए। तो इसी को लेकर क्या हुआ था कि आपको मिशन कर्मयोगी जो था उसे क्या किया गया था, आपको शुरू किया गया था। तो ये जो मिशन कर्मयोगी है, इसका उद्देश्य है जो सिविल सेवा अधिकारी होंगे उसके कार्य क्षमता को क्या करना, बढ़ाना। इसके लिए क्या होगा कि ये जो ट्रेनिंग है उस ट्रेनिंग में क्या होगा कि बदलाव किया जाएगा ताकि जो
सिविल सेवा अधिकारी है उनको उनके पद के अनुसार उसका अनुसरण कराया जाए और उनको एक अच्छे लोक सेवा अधिकारी बनाया जाए। तो ये जो मिशन कर्मयोगी है यह आपको किसके अधीन आपको कार्यरत होगा, इसको जो संचालित करेगी वह कौन करेगी, तो इसको जो संचालित करने वाली संस्था होगी उसका नाम है आपको नेशनल प्रोग्राम फॉर सिविल सर्विस कैपेसिटी बिल्डिंग। यही इसे क्या करेगा, आपको संचालित करेगी। और मिशन कर्मयोगी को जो शुरू करने का प्रस्ताव पारित हुआ था केंद्रीय कैबिनेट के द्वारा वह आपको 2 सितंबर 2020 को हुई थी। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि जो मिशन कर्मयोगी है यह आपको समझ में आ गई होगी और इसमें एक ही लाइन आपको याद रखना है कि मिशन कर्मयोगी क्या है। तो मेरा आंसर होगा क्या, तो सिविल सेवा के जो अधिकारी होते हैं उसके कार्य क्षमता में क्या करना, आपको बढ़ावा लाना, उसकी जो गुणवत्ता है उस गुणवत्ता को क्या करना, पब्लिक के सामने रखना। तो दोस्तों आज की इस क्लास को हम यहीं पे विराम देते हैं, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। जब तक के लिए आप सबों से सुविधा, टेक केयर, ऑल ऑफ यू।